रविंद्र जी यहाँ से नज़र डालेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 9800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। शाम में भी पहले दिन इससे पहले यानी कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ग्वार गम 9600 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। आज देख रहे हैं कि 10,000 के छूने से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट की दूरी पर है। वहीं पर ग्वार सीड में भी एक तेज़ी बनती हुई नज़र आई है, 5900 के ऊपर कारोबार कर रही है, 6004 का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज वीकली क्लोजिंग होते होते ग्वार की कीमतों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या ये जो तेज़ी है आगे भी अगले हफ्ते एक्सटेंड हो पाएगी? देखिए ग्वार गम की बात करें तो हमने पहले भी बोला था कि 10200 से 10500 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम में। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो 6100 से 6200 तक के अपसाइड इसमें देखने को मिल सकते हैं और प्राइसेस उसी तरीके से मूव कर रहे हैं। वीकली क्लोज अगर ग्वार सीड का 6000 के आसपास होता है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रैली जो है ये और ज़्यादा तेज़ रहेगी और 6300 तक एक्सटेंड कर सकती है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 5800 का इस पर लॉन्ग टर्म का अच्छा सपोर्ट है। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी ऑलरेडी प्राइसेस अपसाइड मूव कर चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की तेज़ी के साथ ये चल रही है कमोडिटी। 9300 का इमीडिएट सपोर्ट है इस पर, वहीं अपसाइड में 10500 तक के रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिल सकते हैं जी।